बाल विवाह क्या यह भी हमारे समाज में अपने कदम जमाए हुआ है? फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के मुताबिक प्रदेश में हर 100 में से 25 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो रही है। हालांकि 5 साल में बाल विवाह का आंकड़ा 10% घटकर 35.4% से 25.4% पर आया है, लेकिन सरकारी आंकड़ों से जमीनी हकीकत अलग है। प्रशासन तक सभी मामले रिपोर्ट नहीं होते, शिकायत पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर जाते हैं, समझाइश कर लौट आते हैं, फिर पलट कर नहीं देखते। ऐसे में नाबालिग जोड़ों को दूसरे जिलों या खेतों में ले जाकर विवाह करवा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। बाल विवाह से जुड़ी एक ऐसी ही मासूम बच्ची की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। जोधपुर जिले के एक गांव में मजदूर परिवार की बेटी जब 10 साल की थी, उसकी शादी करवा दी गई। 16 साल की हुई तो गौना कर ससुराल भेज दिया गया, जहां उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। सुगंधा 7 साल तक बाल विवाह का दंश झेलती रही। 5 महीने पहले उसने सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एडवोकेट डॉक्टर कीर्ति भारती के जरिए जोधपुर के फैमिली कोर्ट 2 में वाद दायर किया। अब कोर्ट ने उसका बाल विवाह निरस्त कर दिया। सुगंधा 17 साल की उम्र में यानी बालिक होने से पहले बेड़ियों से आजाद हो गई। सुगंधा ने कहा, मैं बाल विवाह के पिंजरे से आजाद हुई, अब मैं अपने सपने पूरे कर माता पिता का नाम रोशन करूंगी। लेकिन क्योंकि भारत में बाल विवाह लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, पारंपरिक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं से इसकी जड़ें होने के कारण इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाल विवाह दहेज और बाल विधवापन जैसी अन्य समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र शादी के लिए 18 होनी चाहिए। 2006 की धारा 9 के अनुसार बाल विवाह करवाने वालों के लिए 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। और अगर हम सुगंधा की बात करें तो उसकी जिंदगी के 7 साल बाल विवाह के पिंजरे में कैद हो गए और वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई, लेकिन अब सुगंधा बाल विवाह के पिंजरे से आजाद हुई। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।